वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एक्सटेम्योनिक मेम्ब्रेन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एमनियोन एक्सटेम्योनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो एमनियोन क्या होती है? जो रेप्टाइल्स है, एवियंस है, मैमल्स है, उनके एम्ब्रियो कवर्ड होते हैं एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एमनियोन। और जिन एनिमल्स के अंदर एमनियोन एक्सटेम्योन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एमनियोन। तो द रेप्टाइल्स, एवियंस एंड मैमल्स एम्ब्रियो आर कवर्ड बाई एन एम्ब्रेला लाइक कवरिंग कॉल्ड एमनियोन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड एमनियोन्स। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटोपेल्योर एक्टोड्रम प्लस में सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, जो हमारी एमनियोन है उसकी फॉर्मेशन होते हैं सोमैटोपेल्योर से। सोमैटोपेल्योर का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूज्ड मेम्ब्रेन के कारण फॉर्म्ड होती है। और वो फ्यूज मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, हमारी एक्टोड्रम एंड सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें फॉर्मेशंस की, बात करें एमनियोन की फॉर्मेशंस कैसे होती है, कौन कौन से मेथड से होती है, तो एमनियोन की फॉर्मेशन दो मेथड से होती है। एक मेथड है इसके अंदर फोल्डिंग, सेकंड मेथड है इसके अंदर कैविटेशंस। ठीक है, तो जो फोल्डिंग के कारण जो एमनियोन की फॉर्मेशन होती है वो होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, और कैविटेशंस के कारण जो फॉर्मेशंस होती है एमनियोन की वो किनके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है, हाउस माउस के अंदर होती है और रैट के अंदर होती है। ठीक है, तो बाई फोल्डिंग के अंदर क्या होता है, एमनियोन इज डेवलप्ड फोल्ड ऑफ सोमैटोपेल्योर फ्रॉम एंटीरियर साइड्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो है रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, उसके एंटीरियर साइड्स पे क्या होता है, जो हमारी सोमैटोपेल्योर, सोमैटोपेल्योर मीन्स एक्टोड्रम और सोमैटिक मेसोडर्म की फोल्डिंग के कारण किसकी फॉर्मेशंस होते हैं, हमारी एमनियोन की फॉर्मेशंस होती है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस माउस एंड रैट्स जो एमनियोन फॉर्म्ड होती है, अपियर होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इनर सेल मास है उसके अंदर कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है अर्ली एम्ब्रियो के अंदर, और वो कैविटी को हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। और जो फॉर्मेशंस उसको बाउंड करके रखेगा उसको हम क्या कहेंगे, कवर करके रखेगा, एमनियोन। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एमनियोन की फॉर्मेशंस को। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन इन चिक। ठीक है, जैसे हमारे चिक क्या है, हमारा बर्ड्स के अंदर आते हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो हमारी एमनियोन और कोरियोन की फॉर्मेशंस कैसे होती है, एमनियोन एंड कोरियोन आर फॉर्म्ड इन ए सिमिलर मैनर इन चिक एंड रेप्टाइल। जो हमारी एमनियोन और कोरियोन की जो फॉर्मेशंस है वो बिल्कुल सिमिलर मैनर से होती है चिक और रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, कोरियोन की जो हमारी सेकेंड एक्सटेम्योनिक मेम्ब्रेन है और जो हमारी एम्ब्रियोन है, दोनों की जो फॉर्मेशन होती है सिमिलर मैनर से होती है चिक और रेप्टाइल्स के अंदर। बट मैमल्स के अंदर ए बॉडी फोल्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम योक सैक विद विच द एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फोल्ड होता है जिसके कारण जो एम्ब्रियो है वो रिमेन अटैच रहता है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे अटैच रहता है, उससे के कारण फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम जैसे डेवलपमेंट देख रहे हैं चिक के अंदर, तो इन चिक एमनियोन फॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, जो एमनियोन की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, मींस जो हमारा फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद, इंक्यूबेशन के बाद जो हमारी एमनियोन की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ए फोल्ड ऑफ सोमैटोपेल्योर, जो हमारी जो सोमैटोफोल्योर है उसके अंदर क्या होता है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, अराइज इन फ्रंट ऑफ द हेड फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियो एंड इज कॉल्ड हेड फोल्ड ऑफ एमनियोन। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर द हेड ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे 30 आवर्स होगा इंक्यूबेशन के, जो हमारी सोमैटोपेल्योर थी फ्रंट साइड से, हेड साइड से क्या होना चाहिए, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और उस फोल्ड को हम क्या कह रहे हैं, हेड फोल्ड। और ये क्या होगी, एक्सटेंड होगी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, ये हमारी चिक एम्ब्रियो के अंदर एमनियोन की फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसे हमारे जो सोमैटोपेल्योर है एंटीरियर साइड से हमारे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, ये हमारे फोल्ड होना स्टार्ट हो रहा है, और जो एंटीरियर साइड से जो हमारी जो एमनियोन है फोल्ड हो रहा है सोमैटोपेल्योर का, उसको हम क्या कहेंगे, हेड फोल्ड ऑफ एमनियोन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी बैकवर्ड, एम्ब्रियो के बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और नीचे की तरफ क्या होना चाहिए कि फोल्ड होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन ए सिमिलर फोल्ड ऑफ द सोमैटोपेल्योर डेवलप्ड फ्रॉम द पोस्टियर एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो कॉल्ड टेल फोल्ड ऑफ एमनियोन। ठीक है, 48 आवर्स इंक्यूबेशन के
हावर्ट्स के बाद सिमिलर फोल्ड स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सोमैटोपेलोर्स के अंदर, बट ये अब जो फोल्ड होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा पोस्टियर एंड के ऊपर होगा, और उस पोस्टियर एंड पे जो फोल्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेल फोल्ड ऑफ एम्ब्रियन, और जो एंटीरियर पार्ट के ऊपर जो फोल्ड हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं, हेड फोल्ड ऑफ दी एम्ब्रियो। ठीक है, सेकेंड अब क्या होगा, जो अब हमारा पोस्टियर साइड था हमारा, तो पोस्टियर साइड पे भी क्या हो जाएगा, हमारा सोमेटोपेलियर के अंदर क्या होना स्टार्ट, फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो पोस्टियर एंड से जो फोल्डिंग होना स्टार्ट हो गई 48 आवर्स के बाद, उसको हम क्या कह रहे हैं, टेल फोल्ड ऑफ एमनियोन। ठीक, नेक्स्ट इट ग्रो फॉरवर्ड ओवर दी टेल। ठीक है, ये ग्रो होगी फॉरवर्ड, और जो हमारी हेड था वो फॉलो हो रहा था हमारा बैकवर्ड की तरफ। दिस इज फॉलोड बाई द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल ऑफ एमनियो ग्रोविंग फॉरवर्ड, द हेड एंड टेल फोल्ड्स ग्रो टुवार्ड्स ईच अदर, कम क्लोज एंड लीव्स एन अपरेटस कॉल्ड एमनियोटिक अम्बलिकस। जो हमारा हेड फोल्ड है, टेल फोल्ड है, दोनों ग्रो होगा और कम क्लोज टू ईच अदर एन अपरेचर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एमनियोटिक अम्बलिकस। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो फोल्ड स्टार्ट हुआ था 30 आवर्स के ऊपर, उसको हम क्या कह रहे थे, हेड फोल्ड ऑफ एमनियोन, एंड 48 आवर्स के ऊपर जो फोल्ड हो रहा था पोस्टियर एंड के ऊपर सोमेटोपेलियोर के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, टेल फोल्ड। जो हमारा हेड फोल्ड है वो मूव कर रहा है हमारा बैकवर्ड, और जो हमारा टेल फोल्ड है वो कैसे कर रहा है, हमारा फ्रंट आगे की तरफ फॉरवर्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो गया, दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके क्या करेंगे, रीच करेंगे, और रीच करने के कारण वो ज्वाइन होंगे एमनियोटिक एम्बलिकस के कारण। ठीक है, जैसे लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और जिसके बाद जो एक कैविटी बचेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी, और ये एमनियोटिक कैविटी फिल्ड होती है एमनियोटिक फ्लूड से। ठीक है, जो एम्ब्रियो को डेसिकेशन से क्या करेगी, प्रिवेंट करने का काम करेगी। ठीक है, ऑन दी फोर्थ डे, जैसे फोर्थ डे ऑफ इंक्यूबेशंस, द टू फोल्ड्स मीट बिहाइंड द मिडल ऑफ द एम्ब्रियो एंड कनेक्शन इज कॉल्ड सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। जो अब हमारा जो एम्ब्रियो, जैसे फर्स्ट फोल्ड हुआ था, सेकेंड फोल्ड हुआ था, तो लास्ट में जो फोल्ड होने के बाद दोनों फोल्ड है वो मीट होंगे मिडल के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, वो जहां पे जो कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखते हैं कि जैसे हमारी ये दोनों एम्ब्रियो लास्ट में आके जहां पे मीट करेगी, उस मीट वाले जंक्शन को हम क्या कहेंगे, सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। ठीक है, द इनर वेइंग वाल डिजोल्व एंड देयर कैविटी बिकम कंटिन्यूस, और थोड़े बाद के बाद जो इनकी जो वाल थी, जो कनेक्शन था, वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और जो कैविटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, जो हमारा कनेक्शंस बनेगा, सीरो एमनियोटिक कनेक्शंस बनेगा, वो बाद में क्या हो जाएगी, वाल फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोन, कि एमनियोन जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन है उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो एमनियोटिक कैविटी, एमनियोन के अंदर एमनियोटिक कैविटी जो फॉर्मड हुई है, वो एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूड, और वो किससे फिल्ड होती है, एमनियोटिक फ्लूड से। जैसे एवियन, जो हमारे बर्ड्स के एग है, वो अपना एग कहाँ पे ले करते हैं, लैंड के ऊपर ले करते हैं, बट एम्ब्रो इज सराउंडिंग बाई ए वाटरी फ्लूड विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रो फ्रॉम द डेसिकेशन। ठीक है, बट उनका जो एम्ब्रो है वो कवर्ड होता है सराउंडेड वाटरी फ्लूड, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूड कह रहे हैं, उससे कवर्ड रहता है, वो क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, वाटर जो उसके अंदर है उसको रिमूव होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, बट जैसे आप एम्ब्रियो देखो, जैसे मैंने पहले बताया, जो फिश है, एम्फीबियंस है, वो अपना एग ले करते हैं सराउंडिंग दी बाई वाटर। ठीक है, सो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डेसिकेशन एंड नो एम्ब्रियन इज प्रेजेंट। ठीक है, हमने पहले बताया था ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एमनियोन प्रेजेंट है उनको हम एमनियोटिक एम्ब्रियो कहेंगे, जिनके अंदर एमनियोन अब्सेंट है ए एमनियोटिक एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन एमनियोन का है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, ये क्या करती है, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जैसे हमारी एम्ब्रियो बीच में एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है, और ये हमारी एमनियोटिक कैविटी की जो फॉर्मेशन हुई है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एम्ब्रियो को क्या करती है, न्यूट्रलाइज, कोई भी इफेक्ट ना उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ठीक है, थर्ड फंक्शन इसका है, एमनियोटिक फ्लूड एक्ट एज ए क्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रो फ्रॉम द मैकेनिकल। सो जैसे बाहर से कोई भी मैकेनिकल शोक शोक होगा उससे प्रिवेंट करने का काम करेगी। फोर्थ जो फंक्शन है इसका, द मेजोरम ऑफ एमनियोन फॉर्म मसल्स विच कीप्स द एमनियोटिक फ्लूड मूविंग इन एमनियोटिक कैविटी एंड प्रिवेंट्स एम्ब्रो फ्रॉम स्टिकिंग। ठीक है, जो मेजोरम है एमनियोन की, वो क्या करती है, मसल्स की फॉर्मेशंस करती है, वो मसल्स क्या करेगी, एमनियोटिक फ्लूड्स को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी स्टिकिंग। जैसे हमारे ये हमारा एम्ब्रियो है, बीच में एम्ब्रियो है, ये हमारी एमनियोटिक कैविटी है, तो एमनियोटिक कैविटी का जो फ्लूड है वो एम्ब्रियो के साथ स्टिक ना करे, इसके लिए जो हमारी
एमनियोन्स की जो मीजोड्रम है वो एक मसल्स की फॉर्मेशंस करेगी, वो प्रिवेंट करेगी जो हमारा एमनियोटिक फ्लूड है उसको एमनियो से स्टिक करने से, ठीक है। दीज आर द फंक्शन ऑफ एमनियोस। एक टर्म आपने सुनी होगी एमनियोसेंटोसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कलेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो फ्लूड टू चेक कैरियोटाइप टू नॉन एबनॉर्मलिटी। ये एक टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी कैरियोटाइप की जाती है, और उस कैरियोटाइप से हम बता सकते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। बट कुछ डॉक्टर्स इसका मिसयूज करने लग गए थे टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का सेक्स डिटेक्ट करना कि मेल है या फीमेल है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है इस टेक्निक को क्या कर दिया है, इनिबिट कर दिया है, कंप्लीट यूज को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है। तो एमनियोटिक एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है जिसके द्वारा हम कोई भी एबनॉर्मलिटीज है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर दी फर्स्ट एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस दिस सेकेंड एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेम्ब्रेन कोरियो। थैंक यू।